Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dachu. Happy birthday, Arman. Happy birthday, 6 month baby. Happy birthday. Aha. अब दीदी बोलेगी. दीदी हेलो. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Babu. केक खाओगी? अच्छा, तुम्हारे तो दांत ही नहीं है. दांत आएंगे तभी तो खाओगे. हाँ, सारा केक अब दीदी खाएगी. सभी लोग, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे. आज की तारीख है 10 अक्टूबर और आज है मेरे बेटे का 6 मंथ बर्थडे. तो बर्थडे से पहले ही कुछ लोगों ने मेरे बेटे को विश कर दिया था, तो थैंक यू सो मच. मैंने कमेंट में रिप्लाई भी दिया है. मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं सभी के रिप्लाई करूं, लेकिन जैसे कि कमेंट सेक्शन में कमेंट बढ़ते रहते हैं, तो जब न्यू वीडियो आ जाता है तो पिछले कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं दे पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं सभी के दूँ. यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है और शाम को मैंने बनाई थी नमकीन सेवैयाँ. शाम का डिनर, रात के डिनर के लिए हम लोगों ने सोच रखा था कि छोले बनाएंगे, तो छोले फुला मतलब भिगो के रख दिए थे हमने, बट छोले नहीं बने थे. कारण क्या है मैं बताऊँगी आपको. और यहाँ पे मैंने जो नमकीन जवे बनाए हैं वो बहुत ही खिले खिले बने हैं, और आज जब मैंने ये नमकीन जवे खाए थे, खाने में इतने टेस्टी थे कि मैं बता नहीं सकती. ऊपर से नमकीन सेव डाल दिए हैं और गर्मा गर्म चाय छान लेते हैं. तो ये शाम का स्नैक्स हो गया है हम लोगों का. और कभी फ्री कभी किसी और दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी. आप लोग पूछते हैं कि कैसे बनते हैं, जैसे खिले खिले बने. चाय वगैरह पीने के बाद तो हम लोगों ने कपड़े वगैरह निकाल दिए हैं दक्ष के, क्योंकि दक्ष को अच्छे से कपड़े पहनाएंगे, छोटा मोटा सेलिब्रेशन भी करेंगे. दक्ष को तैयार करने से पहले सोचा मैं तैयार हो जाती हूँ. मैंने आज ये वाली ड्रेस पहनी हुई है जो कि अपटाउनी की है और मुझे बहुत अच्छी लगती है. मैं कभी कभी पहनती हूँ, रेगुलर कभी नहीं पहन पाती हूँ. आई थिंक ये चौथी बार ही पहनी होगी मैंने. और थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ. ज़्यादातर तो मैं मेकअप इतना ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत कर लूँ. बट मेकअप करने से पहले मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा स्किन केयर, क्योंकि मेकअप तभी अच्छा आएगा. तो जो मैंने स्किन केयर के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं वो एल्फ गुडनेस के हैं, यानी टोनर एंड सीरम है वो एल्फ गुडनेस का है. और जितने भी मैं मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ वो सारे के सारे पर्पल. सेल का नाम है पर्पल ब्यूटी कार्निवाल. ये जो सेल चल रही है इसमें 40% आपको ऑफ मिल जाएगा, तो आप लोग शॉपिंग जरूर कर लीजिएगा. और जितने भी प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किए हैं उन सारे प्रोडक्ट का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो
आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली पर्पल के सारे प्रोडक्ट ना काफ़ी अच्छे लगे, इसका फाउंडेशन काफ़ी अच्छा लगा मुझे। वैसे को आपको पता है मैं फाउंडेशन कम लगाती थी, हमेशा बीबी क्रीम ही इस्तेमाल करती थी। मेरे पास पहले ब्लू हेवन का फाउंडेशन था, लेकिन वो कभी कभी मैं इस्तेमाल करती थी क्योंकि वो अच्छे से कवरेज मुझे नहीं देता था, ठीक ठाक दे देता था। लेकिन जो ये है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आ गया है। आप लोग देख सकते हैं मेकअप भी ठीक ठाक हो जाता है इससे। और तो ये सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, और आप लोग इससे चाहे तो बाई कर सकते हैं। तो यहाँ हो गई हूँ मैं रेडी, तो ये सारे प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे मेकअप प्रोडक्ट एंड ये स्किन केयर। पर्सनली मुझे ये जो एल्फ गुडनेस का जो सीरम एंड ये टोनर है ना, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। अभी बहुत ज़्यादा ही टाइम हो चुका है, दक्स भी रेडी हो चुका है। जो कपड़े मैंने दक्स से लिए निकाले थे ना, वो उसके हुए नहीं, वो छोटा हो गया यार। मैंने सोचा था टेडी बियर वाला पहनाऊंगी, बट ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और येलो कलर तो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड केक वगैरह भी लेकर आ चुके हैं, बहुत लेट आए थे। तो ये जो बलून दिख रहा है ना आपको, हैप्पी बर्थडे वाला, वो ना मेरे हस्बैंड मेरे बर्थडे पे लाए थे, तो उन्होंने सोचा चलो लगा देते हैं यहाँ पे, हैप्पी बर्थडे लिख जाएगा तो अच्छा लगेगा। बट देखो क्या हुआ कि उनको जोड़ते टाइम ही वो टूट गया, तो उनको इतना गुस्सा आया ना, पटक के फेंक के चले गए। तो ऐसे ही होता है यार कभी कभी, देखो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी कैप्चर हो जाती है ना कि जो कैमरे के सामने हो जाती है ना, तो मन करता चलो शेयर ही कर देते। तो कैसे उन्होंने गुस्से भी पटका था, उससे हो ही नहीं पाया। तो ये देखिए केक आ चुका है, 6 मंथ लिखवा दिया है, और ये आद्या की पसंद का केक आया है क्योंकि आद्या को यही वाला केक चाहिए था जिसमें मार्क्स बना हो, बिकॉज लॉकडाउन है ना, इस वजह लॉकडाउन है नहीं, मतलब कोरोना चल रहा है काल, इसलिए। और आद्या बहुत टाइम से, उस बार भी बोल रही थी तो नहीं आ पाया था, बट इस बार मंगवा लिया है। अब हम लोग करेंगे केक की कटिंग। तो अध्यक्ष को मैं झूले सॉरी इस बॉकर में बिठा दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए, बस केक कट जाए इसलिए, क्योंकि मुझे ना ये बॉकर रिटर्न करना है, आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। तो बस ये आज ही है, रात में है, मतलब 11 की सुबह ही चला गया था ये वापस। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो गई है और अब कट करेंगे केक। तो केक क्या है, आधा ही कट कट करती है, इतना छोटा है, हम लोग पास उसके ले आएंगे, पर डर लगता है यार कि कहीं वो केक खराब ना कर दे। और फाइनली टच कर ही दिया था उसने केक, थोड़ा सा खराब हुआ था, ज्यादा कुछ नहीं हो, वो भागता है बहुत, चीजों को देखकर दौड़ता है। तो उसे इस वॉकर में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप में से किसी लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी अभी वॉकर मत लीजिए, उसके पैर में दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें देखिए नीचे एक प्लेट्स लगी हुई है जिसमें सपोर्ट है, आप बच्चे को बिठा कर चला सकते हो। तो यहाँ पे केक कट कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं और डॉक्टर खिलाएंगे। और सच बताऊँ ना, डॉक्टर बहुत बहुत रोया था थोड़ी देर बाद, क्यों, क्योंकि उसको लग रही थी बहुत तेज नींद, और क्योंकि केक लेने मेरे हस्बैंड गए थे और खाना हम लोगों को नहीं बनाना था, पता है क्यों, क्योंकि छोले भिगोए रखे हुए थे बनाने थे, लेकिन इतना थक गए थे कि फाइनली लास्ट में ना हम लोगों ने पिज्जा मंगाया। तो ये देखिए रो रहा है बहुत वो, तो आद्या ने उसे केक थोड़ा सा खिला ही दिया है। अब मैं उसको थोड़ी देर बाद लेकर जाऊंगी उसको सुलाने, लेकिन उससे पहले इस वॉकर में थोड़ा सा वॉक भी कराऊंगी इसको। तो और फोटो एक भी नहीं क्लिक हो पाई थी, इसलिए बस ये साथ साथ में 2-4 फोटो क्लिक कर ली थी मेरे हस्बैंड ने, वैसे मैंने तो एक भी नहीं क्लिक कर पाई थी। तो फोटो तो मैंने शेयर पर कर पा रही हूँ अभी, मेरे हस्बैंड के मोबाइल में है, तो कोई नहीं, वीडियो तो शेयर कर रही हूँ ना आप लोगों के साथ में। तो ये देखो भाई बहन का प्यार, और इतना खुश है इस वॉकर में, इतना खुश है मैं बता नहीं सकती। वो रो रहा है सिर्फ इसलिए कि उसे नींद आ रही है बस, अदरवाइज वो इस बॉक्स में बहुत ज़्यादा ही खुश है। और चलिए फोटो क्लिक कर लेते हैं और थोड़ा सा दक्ष को घुमा देते हैं।
बकर में दक्ष को बड़ा ही अच्छा लग रहा था, उसने रोना वोना अपना छोड़ दिया है और बड़ा ही इंजॉय कर रहा है। तो बस यही यही सब सोच के मैंने लिया था बकरा भी इसके लिए, लेकिन मैं रिटर्न के लिए दूसरा मंगाने वाली हूँ। ठीक ऐसा ही है लेकिन वो दूसरा होगा। कुछ कमी लगी है मुझे इसमें। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि ये कैसा है, कैसा निकला है, क्या कमी है, तो मेरे नए चैनल को विजिट करिएगा। मेरे नए चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके मेरे नए चैनल पे पहुंच जाएंगे, जहां पे मैं रिव्यू भी शेयर किया करूंगी। तो इस वॉकर का अपना प्रॉपर रिव्यू मैंने उसमें शेयर किया, अनबॉक्सिंग भी दिखाई है। सो इसको मैं बस रख दूंगी अब, बस अब ये पैक होके चला जाएगा कल। तो अभी दक्ष थोड़ा सा शांत लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो पिज्जा आया है तो मैं साथ ही साथ सबके सबके साथ बैठ के खा लूं, बट मेरे नसीब में सबके साथ बैठ के खाना लिखा ही नहीं था। और पिज्ज़ा ठंडा हो जाए ना तो वो तो अच्छा लगने वाला है नहीं है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड अलग अलग फ्लेवर के पिज्ज़ा लेकर आए हैं, और सबका एक एक पीस निकाल कर आपस में डिवाइड करके हम लोग बांट बांट के सारे फ्लेवर का मज़ा लेने वाले हैं। लेकिन सोचा था साथ में खाएंगे तो साथ में नहीं खा पाए थे, ये बहुत रो रहा था। तो मैं अंदर रूम में चली गई थी इसको फीड कराने, और कूलर चला लिया था। देन ये बस 5 मिनट में ही सो गया था सच में। तो यहाँ पे पिज्ज़ा पार्टी होती रही, मैं वहाँ बैठ के खाती रही थी। तो चलिए अब मैं आपको कैमरे के सामने आके मिलती हूँ। सो गाइस, बर्थडे पार्टी हो गई है पूरी फिनिश, और दक्ष रो रहा था बहुत, सोने के लिए रो रहा था सच्ची में। वो फटाक से 2 ही मिनट के अंदर अंदर सो गया है आराम से। वो उसको लिटा कर आई हूँ मैं, और पिज़्ज़ा वगैरह भी खा लिया है हम लोगों ने, और अब हम लोग जा रहे हैं सोने। उससे पहले जो भी यहाँ पे गद्दा वो सारा सामान टेडी बियर सब कुछ लगा के रखा था ना, वो उठा के रखूँगी। और थोड़े से कितने बर्तन पड़े हुए हैं शाम की चाय के, तो वो क्लीन करूँगी, और उसके बाद मैं एडिटिंग करने बैठूंगी यहाँ लैपटॉप पे। ये रहा ये भी काम है। तो दक्ष सो गया है तो ये होगी मेरे लिए प्लस पॉइंट, मैं फटाफट कर लूँगी एडिटिंग। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा मेरे साथ शेयर करना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मेरा जो नया चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, और पिन भी कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। आप वहां से मेरे चैनल नए चैनल पे जा सकते हैं, और वहां पर भी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगे आपको, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, हमारी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम मैं यहाँ लिख दूँगी नीचे, मुझे याद नहीं है, भूल जाती हूँ। लेकिन उनकी बेटी का तीसरा बर्थडे है, यानी वो 3 साल की हो गई है। तो हैप्पी बर्थडे बेटा, आप हमेशा खुश रहिए, अच्छे से सेलिब्रेट करिए, और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।